वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब प्रश्न नंबर 731 पर गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि आपे कंडा और तोल तराजी, आपे तोलन हारा, आपे देखे आपे बुझे, आपे है बनजारा, आपे है बनजारा, अंधला नीच जात परदेसी, खिन आवे तुल जावे, ताकि संगत नानक रेंदा और क्यों कर मुंडा पावे। बोलो सतगुरु देव। अब प्रश्न नंबर 1039 पर लिखा है, ये जो हमारे शरीर के अंदर पांच प्रधान है ना, इन प्रधानों यानी मूल कमल में, स्वाद चक्र में, नाभि कमल, हृदय कमल और कंठ कमल में, इनके विषय में लिखा है 1039 पृष्ठ पर। इसमें लिखा है कि देही नगरी उत्तम थाना, ये देही शरीर रूपी नगरी उत्तम स्थान है, और पंच लोक बसे प्रधाना, ये पांच लोका के प्रधान इसके इनसे कनेक्टेड हैं, जैसे चैनल बने होते हैं। ये है राग है मारू साले और महला पहला 1039 पृष्ठ पे। आगे प्रश्न नंबर 1040 पर लिखा है कि पंच शब्द झुणकार निरालम पर भी आपे वाई सुनाइया। अब ये अनहद नादु बाजर उन जुन जुनकारे, राम तेरे मनोर मेरा मनु। फिर क्या बताया है कि बिन सतगुर बैठे मुक्ति ना हुई। महला पहला 946 पृष्ठ पर स्पष्ट किया कि गुरु बिना मुक्ति नहीं हो सकती। और फिर है प्रश्न नंबर 879 पर, 879 पर, मन ही जोत जोत में मनुआ, पंच मिले गुरु भाई, और नानक तिन के सद बलिहारी, जिन एक शब्द ले लाई। कहते ये पांच जो शब्द हैं ये वो शब्द नहीं है, अलंकार ओंकार नहीं, ये जो शब्द आपको दिए गए हैं ये पंच प्रधानों के हैं, और इनसे फिर कहें सतगुर मिले तो, और हमें सतगुर मिलिया दीक्षा दीनी, तो ये इस इन बातों से कंसेप्ट क्लियर हो गया गुरु ग्रंथ साहिब से भी और ये जन्म साखी से भी स्पष्ट कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको दिखाते हैं पवित्र कबीर सागर के अंदर, पुण्यात्माओं जितना आदरणीय और मान्य श्री गुरु ग्रंथ साहिब है उतना ही आदरणीय और मान्य और अथेंटिक ये कबीर सागर है, और कबीर सागर गुरु ग्रंथ साहिब से पुरातन है, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी और परमेश्वर कबीर जी, हाँ फिर प्रसंग रह गया थोड़ा सा कि जब परमात्मा जब नानक साहिब जी को वापस भेजा कि वहाँ सतलोक से कि आप वहाँ जाइए बनारस में काशी में आपको सतनाम मिलेगा, तो पहली उदासी, उदासी का अर्थ क्या होता है, ये तो यात्रा कहते हैं, पहली उदासी जो यात्रा की संसार से उदास होकर और सतलोक से वापस आके बनारस की है पहली उदासी। तो वहां जाकर रामानंद जी से पूछा, अब नानक साहिब जी ने गीता जी के आधार से 7 श्लोक सेलेक्ट कर लिए, 7 श्लोक, और उनमें प्रत्येक पंडित से, ब्राह्मण से, गुरु से जो हिंदू धर्म के थे उनसे पूछा करते थे कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको देव बता। फिर ये प्रश्न किया करते थे कि तुम किसको मानते हो, श्री कृष्ण, गीता बोली, वो कहते थे श्री कृष्ण जी को, तो श्री कृष्ण जी अजर अमर हैं क्या, इनके माता पिता भी हैं, तो वही बोली बोलते थे वो संत, अजर व अमर हैं, कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर हैं, तो वही जो परमेश्वर ने नानक साहिब जी से प्रसन्न किए थे वही सबसे वो प्रसन्न करने लगे कि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के 12 में, अध्याय नंबर 10 के 2 में,
गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म बोलिए, हम तो जन्मते मरते हैं। तो फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो कौन है वो बताओ? तो सट्टे मारते श्री कृष्ण ही अपने बारे में कह रहे हैं, छोड़ दे गल, अपने बारे में कह रहे हैं। नानक जी आगे चल पड़ते थे, फिर काशी में जाकर के रामानंद जी से ये गोष्ठी की। तब रामानंद जी ने कहा था कि मुझे भी नहीं मालूम था भक्त, एक वो परमात्मा स्वयं उतरे हैं यहाँ पर। कहा फिर नानक साहेब जी का कुछ विश्वास हुआ कि सचमुच देखते लूँ। जब कहा कि कहाँ है वो, मुझे मिलाइए उनसे। अब वहाँ से आए तो नहीं थे, मैं प्रश्न उत्तर करूँगा यही। अब स्वामी रामानंद जी ने एक सेवक भेज दिया कि जा भगत जी को ले जाओ और भगवान से मिलाओ। परमात्मा को पता था कि आने लग रहा हमारा लाल, बैठ के खड्डी में कपड़ा बुने नहीं जानते। और जब नानक साहब ने देखा, करे तेरा गजब हो, ये तो वो है जो सचखंड में देखे थे, आंखों में आंसू भरे। और कहते हैं फाई सूरत मुलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार, ये दानक रूप रहा करता रे। लोगो आ जाओ देख लो, भगवान यो बैठा ये बैठा। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी कहा है, झांकी वे कबीर की नानक कीती वाह, और वह सिखा के गल पड़ीब कौन छुटावे था। नानक साहिब ने कहा था वाहे गुरु सतनाम में लगा, क्योंकि सतलोक में सचखंड में मालिक ने बताया था कि ये सतनाम इतना इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल है, इसके जाप से मोक्ष डेफिनेट है। और ये भी कह दिया था पुण्यात्मा, अभी इसको किसी को बताना नहीं, यदि तुम अभी बता दोगे तो राज खुल जाएगा और इस काल का दाव लग जाएगा। ये काल के दूत संत इन्हीं मंत्रों को गुरु ग्रंथ साहिब से निकाल कर देना शुरू कर देते, और आज ये दास आपको कैसे पहचानवाता उस परम पिता परमात्मा को। इन्होंने जो आदेश परमात्मा का था फाइनल मान लिया, और नानक साहिब जी ने किसी सिख को सतनाम नहीं दिया। एक समय का प्रकरण है कि इसी भाई बाले वाली जन्म साखी में गुरु नानक जी और मर्दाना और बाला ये चले जा रहे थे समुद्र के ऊपर, लंका देखने जावे थे गुरु जी से प्रार्थना करके। तो नानक साहब ने कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ और वाहेगुरु करते रहना, और ऐसे चल पड़े जैसे समुद्र पृथ्वी पर चलते हैं समुद्र के ऊपर। और नानक साहब जी सतनाम का जाप करने लग गए उच्चारण करके। अब मर्दाना ने सोची गुरु जी तो ये जाप करें सतनाम दो अक्षर का, तू भी कर ले, वो भी करने लग गया। वो लग गया डूबने गोते खाने। तब नानक साहब जी ने देखा कि मर्दाना गुरु जी की करनी नहीं देखा करते, वचन का पालन कर। तो फिर वाहेगुरु कर, वो फिर वाहेगुरु करने लग गया, फिर ठीक हो गया। तो ऐसा झटका दे दिया नानक साहब ने परमात्मा के आदेश से कि तेरा आदेश होगा उसको दूंगा, नहीं दूंगा, ये स्पष्ट लिखा जन्म साखी में। और ऐसा झटका दे दिया कि आने वाले सिख समाज ने इतना परहेज कर लिया, इस नाम का जिक्र नहीं करते, और जिस कारण से काल के दूता गाथ ना लग गया ना, ताजी ये नाम बता देते दो अक्षर का, ये पांचों काल के जाप दे रहे, ये पार कैसे करेंगे आपको, ये डबोने वाले पंथ है सारे, काल के पंथ है। अब ये पंथ है वो जिसमें सारे पंथ मिलेंगे, आकर सत्कर्म मान लेना पुण्यात्मा। अब आपको दिखाते हैं वही जन्म साखी भाई वाले वाली जिसमें वो कौन सा है दो अक्षर का नाम, देखिएगा ये वही जन्म साखी है सब तो वड्डी भाई वाले वाली जन्म साखी, वो डॉक्टर जीवन सिंह।
ये है ई जन्म साखी अज तक सब चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन यानी पुरानी है भाई वाली वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी। ये पंजे साहिबां दे दी साखी ते दसा पातशाहां दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी पुस्तकों वाले गली नंबर 8 बाबा न ये बाग रामानंद अमृतसर। इतना अब हम फिर आते हैं समुंदर की साखी सुनाएंगे आपको थोड़ी सी। ये देखिएगा समुंदर दी साखी और पृष्ठ 547 हम यहाँ से पढ़ेंगे। बाला संधु उवाच, बाला संधु का वचन। ताते हे गुरु अंगद जी जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए मर्दा ने किया सच्चे बादशाह जी असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किया चलो भाई बाले ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना आखी मिटो जा आखी मीट के खोलिया ता समंदर दे कंडे जाई खड़े होए ते आखन लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ मुखों वाहेगुरु कहंदे आओ आगे आगे गुरु जी तुर पए जैसे धरती ऊपर तुरदे सन उसे तरह समंदर ऊपर तुर पए जा चले जावण ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु जी गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ये हव दो अखर का सतनाम। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी क्या मर्दाना गुरु जी करने वल नहीं देखना गुरु दे वचना पर चलना चाहिए तू मर्दाना ओहे आख जो असा आख्या है। ता मर्दाना फेर लग्या वाहे गुरु कहन ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लग। अपने आत्माओं धर्मदास मोरी लाख दुहाई ये मूल ज्ञान की तबार न जाई मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस न तेरही। धर्मदास जिसे कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई ये सार नाम की तबार न जाई। और परमात्मा कहते हैं कबीर साहब के सोहम शब्द हम जग में लाए सार शब्द हमने गुप्त छपाए। किसी भी सदग्रंथ में किसी भी संत के कबीर साहब से पहले ये सोहम शब्द कहीं नहीं था। तो इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा की सख्त हिदायत थी। आपने पढ़ ली जन्म साखी में कि भगवान ने कहा था वो तो विस्तार से तो लिखन में फर्क रह गया होगा। नानक साहब कहते हैं जो आपका हुक्म होगा वहीं सुनाऊंगा सतनाम ने नज्य कर नहीं करूँ आपकी रजा में रहूँगा। अब नानक साहब ने ये झटका भी देना जरूरी था। नानक साहब ने इस मंत्र का उच्चारण करना भी जरूरी था ये बताने के लिए मोक्षदायक का ये सतनाम है दो अक्षर का। जे तू पढ़ा पंडित बिंदो अक्षर बिंदो नावा परणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। उसी पंडित से जाकर परमात्मा ने कहा जो उनको गीता पढ़ाया करता कि इन दो अक्षर के बिना जो तू पढ़ा ना दो अक्षर का नाम वो एक गुरु पूरा कहावे दो अक्षर का भेद बतावे। तो उसमें कहा कि यदि इस दो अक्षर बिना तेने ये नहीं है तेरे पास तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं कितना पढ़ गया तूने और ये अक्षर तुम्हारी इन पोथिया में नहीं है ये तो सतपुरुष संत बताते हैं। तो पुण्यात्माओं ये झटका इसलिए देना अनिवार्य था कि कहीं आने वाले समय में
कोई यह गलती कर दे और बात बिगड़ जा। बाला जी ने सारी बात बता दी, बाला भाई ने, कि मर्दाने गेलनू बनी, सारा सिख समाज एकदम साधा सतर्क हो गया। और आने वाले उन बुद्धिमान गुरुओं ने, सिख धर्म के गुरुओं ने सोचा बाणी कलेक्ट करते समय कि ये गुरु नानक देव जी ने तो खूब बोल रखा था, अलग से भी बोल रखा वाणी, वो निकाल दी वाणी, रखी नहीं उस गुरु ग्रंथ साहिब में, कि कहीं गलती से कोई सिख बच्चा इसने पढ़ ना ले और गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो जा और नुकसान हो जाएगा, जैसे मर्दाना डूब गया था और कहीं हानि ना हो जा। और ये झटका देना अनिवार्य था, किसी भी सिख समाज के पास सतनाम निपुणात्माओं पूरे विश्व में मने इस दास के अतिरिक्त, ये समझ लेना। बोलो सतगुरु देव। और मोक्ष इस सतनाम से होगा, और कोई मार्ग नहीं मोक्ष का, और कोई मार्ग नहीं। तो अब जैसे कबीर सागर में 600 वर्ष पहले लिखा था परमात्मा ने कि बर में पंथ हम ही चल आवें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। पुणात्माओं ये एक अनमोल खजाना हाथ लगा अपने आपको दृढ़ विश्वास कराने के लिए, ताकि आप जल्दी संभल जाओ, और लेट करोगे उतनी देरी बनेगी। और इसलिए आपको बार बार रूबरू कराते हैं कि जल्दी समझ में आ जा आप जी के, और अपना कल्याण कराने के लिए सब बरवाड़ा में आ जाएं और कल्याण हो जाएगा आपका। एक पुस्तक है जय गुरुदेव पंथ के प्रमुख श्री तुलसीदास मथुरा वाले की भविष्यवाणी को, या वर्तमान की सच्ची वाणी, ये फिर रूबरू कराते हैं। पुणात्मा यदि हम कबीर पंथ से ही कुछ दिखावा सारे तो कम विश्वास होगा कि अपनी अपनी सब लिख रहे हैं, और दूसरे महापुरुष भी उसका समर्थन करें तो मानव समाज के समक्ष एक सच्चाई उभर कर आ जाएगी। ये देखियो, ये पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग दो, ये है श्री तुलसीदास जो जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक हैं मथुरा के, और ये है प्रकाशक, प्रकाशक हैं दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा उत्तर प्रदेश, और मुद्रक हैं अर्जेंट प्रिंटर्स। ये महापुरुष जो है राधा स्वामी पंथ से ही निकला पंथ है, वही पांच नाम जाप करता और करवाता है। इसका नाम है परम संत तुलसीदास जी महाराज, ये पहला महापुरुष है इसमें राधा स्वामी के अंदर जो अपने पीछे दास लगाता है। ये शिवदयाल जी से भी परम शक्ति भक्ति युक्त था पिछले जन्म का, अभी से पहले इसकी बैटरी काम करे थी। और ये कहते हैं कि अनुयायी के इस तुलसीदास से विश्व में शांति होगी, इसने 70 साल हो गए जय गुरुदेव कलयुग आओगा, जय गुरुदेव सतयुग आओगा, जय गुरुदेव सतयुग आओगा। अब 70 साल में तो 80 साल में तो जय गुरुदेव लाया नहीं सतयुग, दूना कलयुग बढ़ गया, इनसे शांति नहीं होगी। इसने जिसके विषय में इसमें कहा उससे शांति होगी, देखना। अब दिखाता हूँ आपको इसी पुस्तक में प्रश्न नंबर 59 पे, इस महापुरुष ने 28 अगस्त 1971 को एक स्टेटमेंट दी थी पृष्ठ 59 पे। इसने इस 28 अगस्त 1971 को एक स्टेटमेंट दी जो शाकाहारी पत्रिका में छपी। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है, और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा, और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। इससे पूछने लगे तुलसीदास जी से कि हे महाराज, वो कौन है महापुरुष जिससे इतना बड़ा उपकार होगा जनता का, और जब वो प्रकट हो चुका है, उसका जन्म हो चुका है, उसका ठिकाना भी बता दो।
अब 50 पृष्ठ पर इसमें लिखा है 7 सितंबर 1971 को इसने फिर स्टेटमेंट दी है, तो उस समय इस पुनकर्मी आत्मा की बैटरी फुल थी, एग्जैक्ट बता दिया। और फिर इसने करोड़ों आदमी पाछे ला लिया, आशीर्वाद दे दिया, अपनी बैटरी डाउन कर ली। आगे चार्जर ठीक नहीं था, चार्जर मीन वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं थी। पांचों नाम काल के जाप करें ये यूजलेस, इनके जाप करने से राधा स्वामी पंथ का प्रमुख शिवदयाल जी भूत बना, अपनी शिष्य बुक्की में बोल रहे समाधान करे, इंटरनेट ला गया बुक्की में, फिर वो बन गए। तो जब उस महापुरुष के प्रवर्तक की यह हालत, तो आपका क्या होगा? तो यही स्थिति इसकी बन गई। उस राधा स्वामी के प्रवर्तक शिवदयाल जी को ये परम धनी मान के फंस गए। उसके आगे साधना ठीक हुई नहीं, उस समय बैटरी फुल थी, और उस समय फुल बैटरी थी जब के बोला, ये देखिएगा, ये वही पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी जो अभी आपको दिखाई थी, ये यहाँ से छपी है। अब हम इसके पृष्ठ 50 पर आ गए हैं, वो 59 पृष्ठ पर 28 सितंबर की स्टेटमेंट थी, और अब 7 सितंबर 1971 को इसने क्या कहा? वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को यह स्टेटमेंट दी, 8 सितंबर 1951 को दास का जन्म हुआ, 7 सितंबर 1971 को रामपाल दास पूरा 20 वर्ष का हो गया, और 8 सितंबर को 21वां वर्ष दास का प्रारंभ हुआ। फिर पढ़िए, लोग पूछने लगे तो इन्होंने कहा वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है, यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं, और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं, ये महापुरुषों ने ऐसा काम, जैसे इसने नास्त्रेदमस जी ने भी 450 वर्ष पहले भविष्यवाणी कर दी थी, आप जो इस ज्ञान गंगा पुस्तक में पढ़ते हो, और उसका समर्थन कर दिया इस जय गुरुदेव बुथरा वाले पंथ के श्री तुलसीदास साहेब ने, संत ने। अपने आत्माओं, 1971 में इसकी बैटरी फुल थी, सही काम करे था इसकी दिव्य दृष्टि, पिछले पुनों से, पिछले जन्म जन्मांतर के संस्कारों से, और उस समय इसने बता दिया ये सन 1954 से पहले से सत्संग करता रहा है। 1954 को आज लगभग 67 वर्ष हो गए, 70 वर्ष लागल ला लो, और 1971 को आज 40 वर्ष हो गए। उस समय इसकी बैटरी सही फुल थी, दिव्य दृष्टि काम करे थी, सच्ची बता दी, और ये भी बात इसकी ठीक है। उस समय ये बता भी देते कि वो गांव दनाना जिला सोनीपत हरियाणा में है भाई, तो उस समय ये दास ट्रेनिंग कर रहा था डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग इन नीलोखेड़ी इंस्टीट्यूट करनाल डिस्ट्रिक्ट में, तो उस समय किसी का नहीं जच्चा होगा, यू रामपाल वो काम करना रहा है। लेकिन आज अगर इसकी दिवदृष्टि काम करे है, करती होती तो कह देता ये दास सर्व संपन्न है, सारे शास्त्र शस्त्र दास के पास है, यानी आध्यात्मिक शस्त्र सतनाम सार नाम सारी विद्य दास के पास है, आज इसकी दिवदृष्टि काम कर रही होती, इसने कह देना चाहिए सारे अपने अनुयायियों को कि जाओ रबरवाला में, ये दास कोई भीड़ करना नहीं चाहता, यहाँ पे कोई प्रभुता का भूखा नहीं, दास तो गुलाम उस परम पिता परमात्मा का उसका कुत्ता है, आप धनियों के लिए भौंक रहा, आपको जगा रहा है, और जो कुत्ते की आवाज़ सुनकर जाग जाता है वो अपने धन को बचा लेता है, और आवाज़ सुनकर भी मरोड़े मार कर सो जाता है
सुबह उसका नुकसान हुआ मिलता है। तो पुण्यात्माओं ये समय है, अब दास को अपना दास समझ कर आ जाए, या कोई मान बड़ाई नहीं है, एक डॉक्टर है ये दास, एक डॉक्टर है, और डॉक्टर का बीमारी हो जाए डॉक्टर भी तो डॉक्टर के पास जाकर रोग दवाई इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो इन संतों को चाहिए थोड़ी शुद्धि करें, बतेरे दिन हो गए काल का दाव लग रहा है, अब तक जो गई सो गई, अब बची को तो रखें, ये स्वयं भी आम कल्याण करवा लें, ये भगवान घर के इसलिए छोड़ कर चले थे परमात्मा मिले, और ये प्रज्ञ काल का हाथ है, इन सब प्रमाणों को सब देखें और परमात्मा को पाने के लिए दास के पास आवें, कल्याण करवाऊं, और इससे इनका बहुत हित होगा, इन गुरुओं का, नकली गुरुओं का, जिनके पास दो अक्षर का सतनाम नहीं है, सोए गुरु पूरा का हवे, दो अक्षर का भेद बतावे, इनका ये हित होगा कि इन पाप सर्प धर लिया, ये करोड़ों शिष्यों का, लाखों शिष्यों का, और ये भारी न इतना भारी हो जाएगा, ये भी नरक में और ये शिष्य भी बेचारे भोले वाले, इनके इनको परम धनी मान कर जीवन वेस्ट कर गए, व्यर्थ कर गए। अब ये बाहर मुक्त हो सकते हैं ये संत यूं कह करके कि भाई मेरे पास यथार्थ मार्ग नहीं, मैं भी भूल में था, और आओ तुम भी चलो और हम भी चलते हैं, दीक्षा ले और पार हो, चाहे सारी पृथ्वी आ जाओ, एक नाम जाप करना है, सबको पार कर देगा परमात्मा सतनाम से। इनका भी कल्याण हो जाएगा। अपने आत्माओं, ये तो भविष्य वक्ताओं ने जो ज्ञान दिया इनका धन्यवाद, और ये अगर ना ये कहते तो भी ये तो होना था, क्योंकि जैसे परमात्मा ने ये सारा खगोल बना रखा है, ऊपर सब अंतरिक्ष में ये पृथ्वी ये सब कुछ बना रखे हैं, समय पर घूम रहे हैं, और कोई भगोल खगोल का जानने वाला ये बता दे कैलकुलेशन करके कि परसों 6:30 पर सूर्य उदय होगा, उसने वो ना बताता तो अभी होना ही था वो, तो क्योंकि परमात्मा ने भी दान बना रखे। ऐसे ही 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कह दिया था, धर्मदास एक ऐसा समय आओगा 5500 में, 5500 जब कलयुग बीत जाएगा 5500 वर्ष, तब एक महापुरुष आवेगा, यानी पहले तो कहते हम ही आएंगे, फिर वो फिर बदल कर जाते हैं परमात्मा, क्योंकि बार बार न्यू कहे मैं भगवान हूँ कोई ना माने। तो इसका प्रमाण आपको ये कबीर सागर से देते हैं, ये देखिएगा, ये कबीर सागर है, ये भी उतना ही, ये बहुत ही ऑथेंटिक सूक्ष्म वेद है, परमात्मा के मुख से बोला हुआ है और धर्मदास जी द्वारा लिपिबद्ध किया गया है, और इसका संशोधनकर्ता कौन है, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। इसमें आपको दिखाते हैं परमात्मा ने कहा था कि हम ही चल कर आओगे भाई जब यह बीमारी कटेगी धर्मदास, ये देखिएगा, इसमें एक कबीर वाणी चैप्टर है, अध्याय है, और ये बोध सागर खंड है इसका, और इसके 136 पृष्ठ पे लिखा है, द्वादश पंथ चलो सो भेद, इसमें लिखा ये तो है पद्य भाग परमात्मा द्वारा बोला गया, द्वादश पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथों में काल का हुक्म चलेगा, इसी का नाम मंत्र होगा, भूले जीव न जावे ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वन समारा चूड़ामणि साखा, ये इन्होंने थोड़ा फेरबदल कर दी, इन्होंने कहा प्रथम जग में जागू भरमावे, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन वाणी, चौथा पंथ टकसार, और फिर ये सतनामी पंथ, जीवा का पंथ, और राम कबीर पंथ, ये परम धाम की वाणी पंथ, ये सारे पंथ इन्होंने बोले हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने गलती कर रखी है, ये दूसरा प्रथम लिख दिया जग्गू, ये दूसरा है जग्गूदास, यहाँ देखिएगा, ये कबीर चरित्र, परमात्मा का कबीर चरित्र
और ये बोध सागर में कबीर चरित्र प्रश्न नंबर 1871 पर 1870 पर, ये बोध सागर वही खंड है इसका, और 1870 पर क्या लिखा है नीचे, ये गद्य भाग में लिखा है कि कबीर साहब के पंथों का वर्णन, प्रथम नारायण दास का पंथ, ये कबीर पंथियों ने गड़बड़ कर रखी है। नारायण दास तो ने तो कबीर साहब का मार्ग अपनाया नहीं था, वो तो श्री कृष्ण पुजारी था, सारा कुछ कह लिया था, मानना नहीं था। ये है चूड़ामणि का पंथ, दूसरा है याग्गू दास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, कमाल का पंथ है कमाली नहीं, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, प्रेम धाम की जीवा पंथ, और बारवा है गरीबदास पंथ। अब ये बार माँ गरीबदास पंथ है, हम इससे लिंक है हमारा, आगे आइए फिर वापस आते हैं कबीर वाणी चैप्टर पर। ये पढ़ा आपने कबीर चरित्र बोध, बोध सागर में वाणी, कबीर वाणी 136 पर आ गया, कबीर सागर में द्वादश पंथ चलो सो भेद। अब ये द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम रखा, ये लिखना था प्रथम वंश चूड़ामणि और बाकी शाखा, ये इन प्रथम लिखना था, गलती कर गए, तो यहाँ प्रथम जागू, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, टकसार पंथ, टकसार फिर सतनामी पंथ, जीवा पंथ, जीव पंथ, राम कबीर पंथ, और फिर परम धाम की वाणी पंथ। अब यहाँ तक तो ये दसवां आ गया, ये बारवां कहाँ करेंगे, ये चोर चुरावे तोमड़ी गाड्डे पानी में आगे लिखना है भूल गए। अब यहाँ है बारवा पंथ, ये ग्यारहवा पंथ परम धाम की वाणी, ये दसवां लिख रहे। बारवा है संवत 1775 होई, तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, संवत 1774 है, ये गलती से प्रिंट है, और इस दिन आदरणीय गरीबदास साहेब गांव छुड़ानी जिला जद्दर वाले का जन्म हुआ था संवत 1774 में, ये बारवा पंथ है। ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, तब मेरा कुछ प्रेम भाव बढ़ेगा दोबारा, क्योंकि कबीर सागर में कबीर पंथ में काल के दूत उसमें फेर बदल कर देंगे, इसलिए परमात्मा ने कहा था धर्मदास गरीबदास के द्वारा मेरी फिर वाणी का प्रकाश फिर से होगा। अब देखो ये है 137 पृष्ठ पर, आज्ञा रहे वो, ये गरीबदास पंथ के विषय में चल रहा बारवा पंथ, बोध ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सब के घर खावे, साख मारा ले जीव समझावे, असंग ठोड़ जन्म नहीं पावे। अब बर में पंथ प्रगट हो बाणी हवे, पर बर में पंथ गरीबदास के द्वारा मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रगट होगी, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी, और अस्थिर घर का मरम न पावे, ये बारह पंथ हम ही को जावे। गरीबदास वाले पंथ तक कहते हैं इस मेरे इस असली मार्ग को नहीं पहचान सकेंगे, इसलिए ये कबीर कबीर अवश्य करेंगे, सतलोक सतपुरुष अवश्य कहेंगे, पर अस्थिर घर का मर्म न पावे। अस्थिर यानी अविनाशी अचल सतलोक को नहीं जा सकते, ये बारह पंथ हम ही को ध्यावें। बार में पंथ हम ही चल आवें, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। बोलो सतगुरु दी, परमात्मा कहते हैं बर में पंथ गरीबदास वाले पंथ में हम ही चल कर आवेंगे, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। फिर कहा है प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मघर मांडो मैदाना। कलियुग का वो प्रथम चरण होगा जब मगर से मैं सह शरीर जाऊंगा। परमात्मा ने कलियुग को तीन चरणों में बांटा है, प्रथम ये बिचली पीढ़ी और एंड वाला। फिर बताया है कि जो मैंने आज कही है ना यह बात के बारे में पंथ हम चलावे और गरीबदास की द्वारा मेरी वाणी प्रकट होगी, क्या कहा परमात्मा ने कि कलियुग, कलियुग अंत पियाना दीना, कलियुग के अंदर 5505 तब ये शब्द मेरा होगा साचा, कि ये 505 वर्ष कलयुग जब बीत जाएगा, जब यह मेरी बात साची होगी जो मैं कह रहा हूँ बार में पंथ प्रगट हो वाणी,
बर में पंथ हम ही चलावे। फिर कहा कि धर्मदास मोरी लाख दोहाई, ये मूल है भूल नहीं गलती से प्रिंट है, मूल शब्द बार ना जाई, ये गलती से प्रिंट हो रहा है। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त ही रखो, गोई माने गुप्त। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी वंश हंस नी तेरी। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, और मूल ज्ञान गुप्त ही राख्या, गोय ही राख्या। मूल ज्ञान तुम तब लग छिपाई, जब लग द्वादश पंथ मिट जाई। पहले ये निर्णय करते हैं कि अब कलयुग कितना बीत चुका है, ये कहाँ से प्रमाणित है? पुण्यात्माओं, अब शिक्षित समाज बना दिया परमात्मा ने जानबूझ के, क्योंकि पहले इन नकली गुरुओं पर आंख बंद करके ब्लाइंड फेथ किया श्रद्धालुओं ने कि ये जो कहते सत्य है, ऐसा ही ग्रंथों में लिखा होगा। तो अब आपको शिक्षित इसलिए बना के आप प्रमाण बिना नहीं मान सकते, न दंत कथा तो निरी सुन रखी आप अपनी। तो यहाँ जैसे पवित्र हिंदू समाज में शंकराचार्यों के शब्दों को वो सच्ची मानते हैं, उन्हीं के द्वारा निर्णय करते हैं कि अब कलयुग कितना चल रहा है। देखिएगा, एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ, ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ, और ये हिमालय तीर्थ, और ये बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर की समिति के ये कार्यकारी उप मुख्य कार्यकारी हैं। यहाँ से ये, यहाँ देखो इसके मुद्रक हैं, प्रकाशक हैं ये रंजू चक्रवर्ती, बामाचरण राय रोड कोलकाता, और गणसव जेपी नंबूरी मुद्रगिरी प्रिंट सर्विसेज कोलकाता। इसके 42 पृष्ठ पे लिखा है, हिमालय तीर्थ पुस्तक है, 42 पृष्ठ है। यहाँ देखिएगा, शंकराचार्य के विषय में, उसके जन्म के विषय में, कोई शिव रहस्य नामक आदि केदारनाथ के समक्ष शंकराचार्य जी की दिव्य संगमरमर की मूर्ति है। शिव रहस्य के अनुसार ये शिव रहस्य का कोई श्लोक है, इसका अनुवाद है। कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे, यानी जन्म लेंगे। कौन? शंकराचार्य। कलयुग के जब 3000 वर्ष बीत जाएंगे तब उसका, शंकराचार्य का जन्म होगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब उधर से इन्होंने बताया है कि ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पहले जन्म हुआ। अब दोनों तरफ से ले लिया इन्होंने कि ऊपर की तो कैलकुलेशन रही नहीं, कलयुग स्टार्ट हुआ उसके बाद 300 वर्ष के बाद उसका जन्म हो गया, ये तो ऊपर से गिन लिया। अब इधर से ये गिन रहे हैं, आज के दिन से कैलकुलेशन करें तो वो कौन सा है कि 508 ईसा पूर्व, यानी सन 2000 में 2508 वर्ष हो गए थे शंकराचार्य के जन्म को। आज से गिने तो 2520 वर्ष हो गए, आज 2012 में गिने गणित की रीति से, तो 2520 वर्ष हो गए शंकराचार्य के जन्म को, और उस समय कलयुग बीत गया था 3000 वर्ष। तो आज हम कलयुग कितना बीत गया हिसाब लाओ तो 5520 वर्ष बीत गया कलयुग आज 2012 में। अब देखो, ये है एक पुस्तक ज्योतिर्मय ज्योतिष मठ, ये है आदि शंकराचार्य जी का स्वरूप, ये है वर्तमान के स्वरूपानंद शंकराचार्य जो वर्तमान में ये द्वारका पीठ पर विद्यमान है। ये देखिएगा, ये इनके श्री स्वरूपानंद जी हैं, ये अनश्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर MM द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, ये दोनों के इंचार्ज हैं, ज्योति पीठाधीश्वर और शारदा पीठ के द्वारका के श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती। लेखक हैं विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडली दिल्ली, मुद्रक है फाइन प्रिंट एंड पैक्स, ये है प्रकाशक हैं अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, इतने रामनगर
ये है 1/3234 गली नंबर 2 रामनगर तिवारी मंडोली रोड सादरा दिल्ली। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। अब इसके 11 पृष्ठ पर आप देखिएगा, ये 11 पृष्ठ पे। अब यहाँ है आदि गुरु शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन परिचय। ये है कि यहाँ से लेंगे लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था में के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी के तट पर कलाड़ी गांव में धर्मनिष्ठ मुद्री शैव ब्राह्मण शिवगुरु धर्मप्राण शुभद्रा के घर हुआ। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल, उनका जन्म समय ईसा पूर्व 508 या 576 माना जाता है। ये या शब्द गलत लिख दिया उन्होंने। या का अर्थ है 32 वर्ष की उम्र में वह मृत्यु होगी थी, तो 508 में तो 32 निकाल दें तो 476 शेष रहता है। ये है उसका जन्म 508, यानी ईसा पूर्व हम 2000 सीधा हो गया, इस पूर्व माना जाता है। ठीक हो गया, बस इतना ही काफी। अब हम गणित की रीति से जानेंगे कि 5505 वर्ष कौन से सन में होते हैं। आज 2012 चल रहा है, तो ईसा मसीह जी का जन्म आज से 2012 वर्ष पहले हुआ था, और ईसा से 508 वर्ष पहले हो गया शंकराचार्य का। तो दोनों को योग कर दो तो 2520 वर्ष हो गए शंकराचार्य जी के जन्म को नीचे से। ऊपर से जब उनका जन्म हुआ 3000 कलयुग बीत गया था, दोनों का योग कर दो, आज 5520 वर्ष कलयुग बीत चुका, ये इनके रिकॉर्ड अनुसार। अब हम पहुंचेंगे भी 5505 कद होगा, हम सन 2000 से शुरू करते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। सन 2000 में कलयुग 5508 बीत गया था, और 1999 में 5507, 1998 में 5506, और 1997 में ये 5505 कलयुग बीत गया था। 1997 में इसी फागुन उतरते की प्रथमा को दास को कबीर परमेश्वर मिले थे और आदेश दे गए थे, बेटा अब शुरू कर दे, अब समय आ गया सतनाम देने का, सारनाम देने का। ये ना सोचना पुण्यात्मा दास कोई बनावटी बात करे है, कोई स्वार्थ नहीं, परमार्थ अवश्य है। और ये कैलकुलेशन भी दास ने परसों चौथे समझ में आई है, ये कौन सा सन बने है। और दास ने जो मालिक मिला था बहुत पहले 2005 से भी पहले डिक्लेयर कर दिया था कि मुझे ऐसे इस दिन मिले थे, लेकिन उसमें मालिक कहे थे कुछ दिन रहस्य रखना मेरे मिलने का और फिर बताना। सन 2005 में दास ने एक पुस्तक लिखी थी भक्ति और भगवान, उसमें स्पष्ट लिखा था कि जैसे आदरणीय मुल्क दास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को मिले, और इस दास को मिले सन 1997 में। ये दिखाता हूँ आपको, और ये बहुत पहले लिखवा दिया था, न्यू ना सोचे, आज ही जोड़ जुगाड़ करके हम बता रहे हैं। ये है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, आप सबके कर कमलों में है लगभग 2009 से 2008 से, और आज 2012 चल रहा है। देखिएगा इसके 538 पृष्ठ पर ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, इसके 538 पृष्ठ पर है। और यहां देखिएगा नीचे से, मुझ दास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहेब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 के दिन को दिन के 10 बजे मिले, और सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान देने का सही समय संघ का संकेत करके अंतर ध्यान हो गए। इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। बोलो सर।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? कन्हैया दास। कन्हैया जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं लिबासपुर दिल्ली से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 1/3/2014 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले मैं जो घर में माता पिता पूजा साधना करते थे, बजरंगबली, देवी जो देवी देवता भगवान विष्णु और शंकर जी, ब्रह्मा जी, इन सब की पूजा साधना करते थे और पितर पूजा भी करते थे। जी मैं बचपन से ही यह साधना करता था। 13-14 साल की उम्र जब से मैंने होश संभाला था बचपन से ही मैं साधना करता था और माता को ईष्ट मानते थे जी हम। तो ये साधना करते करते हमारे मेरे पापा का बिजनेस भी ठप होता रहता था, हमारे ऊपर कर्जा रहता था खूब सारा माता पिता के ऊपर भी। वो बचपन से मैं सारी बातें उनकी सुनता था लेकिन मैं भी उन जैसे वो भक्ति करते थे सास में माता की या कहीं कुल देवी के पास जाते थे, हमारे मथुरा में नरी सैमरी के नाम से हैं उनके पास जाते थे तो उनके साथ में मैं जाता था और भक्ति साधना करता था। लेकिन मैं ये बचपन से देखता था ना तो उनको कोई लाभ होता था और ना ही मेरे को कोई लाभ होता था। घर में जो है कलेश ही रहता था, माता पिता का ही कलेश रहता था, आपस में लड़ते थे। जैसे कि मैं 13-14 साल की उम्र से जी नशे में जो है आ गया जी, बीड़ी सिगरेट शराब भी पीने लग गया और बियर भी पीने लग गया और दोस्तों के साथ जाके जुआ भी खेलता था। फिर मेरी शादी के बाद मेरे घर में जो है कलेश होने लग गया जी, मेरी घरवाली मेरे को छोड़ के चली जाती थी क्योंकि मैं नशे ही ज़्यादा करता था और काम धाम भी ठीक से नहीं करता था। तो घर में भी कलेश होने लग गया, माता पिता के साथ भी मैं लड़ाई झगड़ा करता था, उनसे भी कुछ उल्टा सीधा बोल देता था नशे में। तो मैं उन्होंने मेरे माता पिता ने मेरे को अलग कर दिया जी, मैं अलग रहने लग गया। सर आप माता जी को मुख्य इष्ट मानते थे, माता जी की साधना करते हुए आप नशे की हालत में चले गए, आपके घर में पारिवारिक कलह हो गई, इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहां से मिली? सर जी मुझे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानकारी टीवी के जरिए से मिली जी। मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा कि मैं काफ़ी परेशान हो गया था नशा करते हुए और ये जुआ खेलते हुए और काम भी मेरा सही नहीं चलता, आर्थिक स्थिति घर की मेरी ख़राब हो गई थी। तो मैं उस वजह से देवकी नंदन के पास भी गया, वहाँ पर भी जाकर उनकी भागवत कथा सुनी और आसाराम जी के पास भी गया, वहाँ भी जाके देखा। फिर मैं जैन धर्म के जो गुरु होते हैं उनके पास भी गया लेकिन वहाँ से मुझे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन मैं देवकी नंदन जी के पास जो है नाम दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गया, वहाँ पर गया जी मैं। तो मेरे पास कुछ पैसे नहीं होते थे, मैं पैदल कम से कम 10 किलोमीटर चल के जाता था और पैदल 10 किलोमीटर चल के आता था उनकी भागवत कथा सुनने के लिए। लास्ट में जब उन्होंने बोला कि नाम दीक्षा सबको मिल सकती है तो मैं नाम दीक्षा के लिए फार्म भरने गया तो वहाँ पर मेरे से जो है 800 रुपये मांगे, तो मेरे पास 800 रुपये नहीं थे जी, तो मेरे को नाम दीक्षा उनसे नहीं मिल पाई देवकी नंदन जी से। तो अब जो है मैं उस चीज़ को सोचता हूँ तो मेरे को ये लगता है कि बहुत ही अच्छा हुआ। फिर मैंने जो है धीरे धीरे मैं टीवी पर ऐसा है जी, मैं नीच जो है संत रामपाल जी महाराज जी का शराब पी के सत्संग देखता था जी, जैसे आते 7 बजे टीवी में स्टार्ट कर देता था, साधना टीवी और ईश्वर टीवी ये सब और आस्था टीवी ये मैं स्टार्ट कर देता था 7 बजे शाम को। उसमें जो है मैंने एक बार देखा तो उसमें मैंने देखा कि मैं ये क्या बता रहे हैं, जो है देवी देवताओं की ये तो बुराई कर रहे हैं। मैंने उसी टाइम पे वो सत्संग हटा दिया जी। फिर एक दिन दोबारा फिर मैंने लगा दिया जी शराब पीते पीते, लेकिन उसमें मैं माता को अपना इष्ट मानता था तो मैंने माता के बारे में सृष्टि रचना सुना रहे थे उस दिन सदगुरुदेव जी। तो उस सृष्टि रचना से जो है मैंने उनको और उन्होंने मेरे को प्रमाण भी दिखाया जी, उसमें उस प्रमाण को देखते ही जी मैं जो है शराब वराब तो मैंने छोड़ दी, मैं सीधा सत्संग देखने लग गया जी ध्यान से और गौर से। मैंने देखा जी सदगुरुदेव जी ने पूरे जो है प्रमाण दिखाए कि किस तरीके से सृष्टि रचना हुई, किस तरीके से क्या हुआ। मैंने 3-4 दिन तक सत्संग जो है देखा जी और उसके बाद जो है चौथे पांचवें दिन जी मैं बरवाला हिसार चला गया जी और वहां पर जाकर मैंने 1/3/2014 को सदगुरुदेव संत श्री रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त की। सर आपने बताया कि जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला बल्कि परेशानियां हुई, आपके घर में पारिवारिक कलह रहने लगी, तो इन सब परेशानियों के बीच आपने टीवी पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने के बाद आपने उनसे नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियां खत्म हुई? जी हाँ, मेरी जिंदगी जो तमाम परेशानी थी जी वो सारी दूर हो गई जी। मैं बीड़ी सिगरेट गुटखा और शराब और गांजा ये सारे नशे करता था, ये सब मेरे नशे धीरे धीरे करके सारे छूट गए।
जब मैंने सदगुरुदेव संत श्री रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त की, मुझे बवासीर की बीमारी थी जी, और इसके बाद जो है मैं बवासीर के इलाज के लिए जो है कई जगह जेगी डॉक्टर के पास, हमारे जो है इलाके में ही एक बंगाली डॉक्टर है, उनके उनसे मैंने इलाज कराया काफ़ी दिनों तक, उनसे मेरे को कोई लाभ नहीं मिला जी। फिर मैं और जो है कई डॉक्टर मैंने बदले जी, कोई लाभ नहीं मिला जी। डॉक्टर ने मेरे को 35,000 रुपये का जो है ऑपरेशन बताया जी कि 35,000 रुपये लगेंगे तुम्हारे ऑपरेशन में, ऐसे जो है आपकी जो बीमारी ठीक हो सकती है जी। लेकिन मैंने सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, उस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं थे जी, तो मैंने जो है संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई कि हे मालिक, आप ही जो है डॉक्टर हो, इस दुनिया के डॉक्टर हो, इस ब्रह्मांड के डॉक्टर हो मालिक, अब डॉक्टर के पास मुझे भटकने की क्या जरूरत है मालिक, मेरे को ठीक करो दाता। संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे ऊपर दया करी और मेरी जो है बीमारी बवासीर की बिल्कुल ठीक हो गई जी। अब मुझे कोई रोग नहीं है जी बवासीर का, बिना ऑपरेशन और बिना दवाई खाई अब मैं कोई दवाई नहीं खाता, कोई परहेज नहीं करता जी, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और जी मेरे को मानसिक रोग था जिसके हिंदी में उसको कहते हैं जी सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया का रोग था मेरे को जी, मानसिक रोग। उसमें ऐसा होता है जी, जैसे सर जी इंसान जो है ज़्यादा गुस्सा करता है और किसी को मारता पीटता भी और अपने आप को भी नुकसान पहुँचा सकता है, तो वो हर छः महीने में दवाई खाता था जी और 6 महीने में ठीक रहता था जी, तो नाम दीक्षा लेने से पहले। लेकिन जब से मैंने नाम दीक्षा ली है सदगुरुदेव जी से, संत रामपाल जी महाराज जी से, जब से मैं मेरी वो बीमारी बिल्कुल ही ठीक हो गई, और अब मैं मेरे को 4 साल हो गए जी नाम दीक्षा लिए हुए, मेरे को कोई सिजोफ्रेनिया नहीं है, कोई बवासीर नहीं है, और भी जो छोटे मोटे रोग हैं जी वो भी कुछ नहीं है। अब मैं एक भी गोली कभी भी नहीं खाता जी किसी भी चीज़ की, जबकि डॉक्टर ने कहा था कि सिजोफ्रेनिया के रोग में कि आपकी दवाई जो है ज़िंदगी भर चलेगी सिजोफ्रेनिया की, 1-2 गोली आपको डेली खानी पड़ेंगी, लेकिन अब मैं कोई भी गोली का सेवन नहीं करता जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी पत्नी जो है मेरे को छोड़ के चली जाती थी, उन्होंने मेरे ऊपर केस भी डालने के लिए बोला था और उन्होंने डाल भी दिया था मेरे ऊपर केस। अब मेरे घर में जो है वो भी चीज़ सब दूर कर दी है मालिक ने, मेरा परिवार बहुत ही अच्छा हो गया जी, मेरी घरवाली भी ठीक रहती है जी, मेरे साथ मेरे बच्चे भी ठीक रहते हैं जी, और सब शराब पी के मैं अपने बच्चों को मारता था पीटता था तो वो तो जाहिर सी बात है सर जी कि अपने आप ही घरवाली छोड़ के जाएगी, उसमें गलती हमारी रहती थी। लेकिन अब जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, और जो है बहुत ही अच्छा जो है मेरे समाज में मेरे पड़ोसी जी भी अब मेरे को ये बोलते हैं कि जो है ये सब तो भाई तेरे संत रामपाल जी महाराज तेरे गुरुजी कर रहे हैं और तेरे को बहुत बढ़िया उन्होंने ठीक कर दिया, ऐसा तो हमने कभी भी नहीं सोचा था कि तू कैसा था और कैसा हो गया, नशे में मैं कीचड़ों में भी गिर जाता था सर जी, मेरे को अपना होश नहीं रहता था और गाली गुप्ता सबको पड़ोसियों में उड़ोसियों में सबको देता था और खूब जो है हाथ पैर भी चला देता था जी सबके ऊपर, सब मेरे से ऐसे डरते कि शाम को आते पड़ोसी भी ये डरते थे कि आ गया वो, सब ने अपना गेट बंद कर लेते थे मेरे को देखकर। लेकिन अब जो है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शराब पीने का तो अब मेरा बिल्कुल ही मन कर दिया, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई शराब पीता है जी, मैं उससे 200 कदम दूर रहता हूँ मैं, कि वो ये क्या जो है कोई बीड़ी भी पीता है उससे भी जो है मेरे को बहुत सख्त नहीं पता जी, नशा करने वाले से तो जी अब सख्त दूर रहता हूँ जी बिल्कुल। मैं एक मैं ये भी बताना चाहूँगा जी कि मैं मेरा फील्ड का काम है भगत जी, मैं जो है बाइक पर जा रहा था, 40-50 की स्पीड थी जी मेरी बाइक की और रेड लाइट थी, रेड लाइट मेरी जो है मेरे को जो ग्रीन का सिग्नल था और आगे से एक जो है लेडीज़ जो स्कूटी लेके जो है सामने से आ गई और एकदम से 40-50 की स्पीड से वो टक्कर लगी जी, उस टक्कर को लगते ही जी मैं तो आगे जो है चला गया और जो है गिर गया, मैं तो ये समझा कि मैं कि मेरे को तो हो गया लगता है काम, लेकिन जब मैं उठा और देखा तो मेरे को एक खरोच भी नहीं आई थी, मेरे को ये महसूस है कि ये क्या चमत्कार हुआ मेरे साथ, इतनी तेज टक्कर लगी और जो मेरे को खरोच तक नहीं आई। मैंने जाके जो है कोई बात नहीं जी, मैं थोड़ा सा घबराया लेकिन 2-3 बार मेरे को होश आया, मैंने देखा कोई खरोच भी नहीं आई, मैंने बाइक जाके उठाई जी अपनी बाइक उठा के जाके देखा तो बाइक की स्टीयरिंग जो है ना जी जैसे ऐसे बैठते हैं तो वो स्टीयरिंग जो है बिल्कुल यहाँ आ गई थी पेट के पास, इतनी तेज़ जो है टक्कर लगी थी और खूब तेज़ आवाज़ आई थी सर जी, और वो लेडीज़ भी थी ना तो उसको कोई चोट आई और ना ही मेरे को कोई चोट आई, सिर्फ बाइक को जो नुकसान हुआ वो हुआ, लेकिन वहाँ से ही बचाव किया सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने। मेरी पत्नी को भी जी मानसिक रोग था सर जी, वो भी ठीक है, अब उनकी भी जो है गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी मेरे पत्नी को भी मानसिक रोग है गुरुजी, तो वो भी ठीक है। मेरे घर में अब जी ना ही कोई ज़्यादा बीमार होता है और ना ही कुछ जो है कोई परेशानी है और बहुत ही लाभ हुए, और मेरी आर्थिक स्थिति भी अब ठीक है जी, पहले मेरे घर में जो है
सर जी दूध के लिए भी पैसे नहीं होते थे, जो कि मैं सुबह दूध मंगवा के और जो चाय जो है मंगवा लूँ, मैं अपने घर वाले से बोलता था जा जा जाके जो है उससे जो है उधार लेके आ, जा जा उसे उधार लेके आ। मैं खुद जो शर्म के वजह से नहीं जाता था जी, तो वो खुद बेचारी जो है उधार लेके आती थी। अब मेरे जो है इतना लाभ दे दिया मेरे गुरुजी ने मेरे को, मेरे घर में महीने में 30-35 हज़ार रुपये जो है मेरे को आते हैं जी, सैलरी प्लस कमीशन। और जो है मेरा अपना छोटा सा भी बिजनेस है जी, वो भी कर रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज जी के दया से। और जो है अब मेरे घर में ना ही आर्थिक स्थिति मेरी ख़राब है, और ना ही कोई मैं रोगी हूँ, और ना ही वाइफ को कोई परेशानी है किसी भी चीज़ में, और मेरे बच्चे भी ठीक है, और हम प्यार से हमारा जो है जीवन चल रहा है जी, और हम भक्ति कर रहे हैं। आज सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारा जो है परिवार में खुशियों का खजाना लगा दिया है, जिससे कि हम बहुत ही खुशी हैं और अच्छे से रह रहे हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी मानसिक बीमारी सिजोफ्रेमिया ठीक हुई, इसके अलावा आपके घर में बहुत सारी परेशानियां थीं, जैसे आपके घर में पारिवारिक कलह थी, आपका वैवाहिक जीवन बर्बाद होने वाला था, वो भी संत रामपाल जी महाराज ने बचाया। इसके अलावा आपको बवासीर की बीमारी थी, संत रामपाल जी महाराज ने आपकी ये बीमारी भी ठीक की, और भी बहुत सारे लाभ संत रामपाल जी महाराज ने आपको दिए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके वो लोग जो नशे के आदि हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये दास कोई संदेश तो नहीं दे सकता जी किसी को भी, लेकिन एक विनती एक प्रार्थना जो है मैं बताऊंगा जगत वालों को, कि मैं बहुत नशा करता था, दारू का और जो बीड़ी का सिगरेट का, और मेरे घर वाले ने और मेरे माँ बाप ने खूब कोशिश करी छुड़वाने की, मैंने भी खूब कोशिश करी छोड़ने की, कि मैं जो है व्रत रखूं, मंगलवार का व्रत रखूं या शनिवार का व्रत रखूं, या फिर जिन जो मैं माता को इष्ट मानता था उनसे मैंने खूब जो है काम है कि माता मेरी मेरे को शराब छुड़वा दो, मेरा जुआ छुड़वा दो, या मेरी जो है मेरे को ये ठीक कर दो, तो मेरे को वहाँ से कोई भी लाभ नहीं हो रहा। मेरे घर वालों ने खूब कोशिश करी, मेरे को दवाई तक देते थे वो खाने में मिला मिला के शराब कि इसकी ये जो शराब को छोड़ दे, लेकिन मैं क्या करता था कि घर में खाना नहीं खाता था, बाहर खा लेता था, और कभी कभार जो खाना भी खा लेता था उससे काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन मैं दो दो तीन तीन दिन घर पे खाना नहीं खाता था, घर पे खाना छोड़ देता था, उससे जो है कोई जो है मतलब उन्होंने मेरे को छुड़वा नहीं पाया। सर जी जिस दिन से मैंने फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गया हूँ, उस दिन से जो है जो उन्होंने मेरे को मंत्र दीक्षा दी है उससे मेरे को जो है लाभ हुआ और मेरा नशा छूट गया, क्योंकि उनके मंत्रों में शक्ति है और उनके वचनों में शक्ति है, और वो परमेश्वर स्वरूप सदगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, जो कि सिर्फ 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 ही सिर्फ वहीं से ही आपको ये आपके नशे छूट सकते हैं और सब कुछ ठीक हो सकता है। आज सरकार करोड़ों रुपए जो है नशे में खर्च कर रही है, नशा मुक्ति केंद्र खोल रही है, लेकिन उससे किसी को भी कोई लाभ नहीं होता। एक एक महीने दो दो महीने वहाँ रह के आते हैं, लेकिन आके फिर स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने से आपको ना तो कोई खर्चा करने की ज़रूरत, ना ही कुछ करने की ज़रूरत, वहाँ पर सब कुछ फ्री है, नाम दीक्षा भी आपको फ्री मिलेगी, और जो किसी भी एक तरह का एक रुपया नहीं लिया जाता वहाँ पर, और आप जो है वहाँ से नाम दीक्षा प्राप्त करो और जो है नशा मुक्त जीवन और भक्ति का सच्चा मार्ग प्राप्त करो और अपना जो है कल्याण कराओ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के जो है सत्संग कई चैनलों पर आते हैं, उनके नीचे एक पट्टी चलती है, उन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, उन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके आप किसी भी जिला में रहते हैं वहाँ पर आसपास आपको नामदान केंद्र बता दिया जाएगा, वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880541, 8222880542, 8222880543, 8222880544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।